नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। खेतिया से मैं राजेश नहार बात करते हैं। खेतिया की, जहां कोरोना ने आतंक मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित रोगी निकल रहे हैं। आज बड़वानी जिले में आए 59 रोगियों में से 8 लोग खेतिया से हैं। इन आंकड़ों के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय दिखा है। SDM सुश्री अंशु जावला के नेतृत्व में रोको टोको अभियान और सैंपलिंग की मुहिम को तेज किया है। जी हां, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित खेतिया शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज सुबह से शहर में एक पॉजिटिव व्यक्ति अपने नाई की दुकान को संचालित कर रहा था। जब प्रशासन को जानकारी लगी तो अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निंगवाल, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी यशवंत शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक पुलिस अनिल पाठक टीम सहित दुकान पर पहुंचकर संक्रमित नाई की दुकान को बंद कराई है। आपको बता दें, अगर प्रशासन समय पर नहीं चेता होता तो वह संक्रमित नाई कितने ही लोगों को संक्रमण का शिकार बना चुका होता। आइए, क्या कह रहे हैं अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निंगवाल, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, हमारे कलेक्टर सर के बड़वानी के निर्देशन में एवं अनुभागीय अधिकारी पांच्यामल के निर्देशन में हमारे द्वारा आज चालानी कार्रवाई की गई है और कोविड के गति को देखते हुए आज हमारे यहाँ पर बिना मास्क के घूमने वालों पर एवं अवैध गाड़ी या दुकानें जो पॉजिटिव हैं, उनके घर परिवार वाले भी कोविड के 19 नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और उनकी दुकानें बंद करवाई गई। जो पॉजिटिव है वो मार्केट में घूम रहे हैं, उन लोगों को अपने घर रहने के लिए और व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रहने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। और ग्राम नगर खेतिया की जनता से भी अपील की जा रही है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसों का पालन करें, मास्क लगा के रखें और परिवार को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। ऐसी अपील की जा रही है। न्यूज़ लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।